इस लेक्चर में हम केवल एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आरएसी का प्रॉपर्टीज ऑफ मोस्ट एयर से। इसमें ये क्वेश्चन है मोस्ट एयर का। इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसके बाद उससे रिलेटेड जितना मतलब एनालिसिस है वो भी कर लेंगे और इसके बाद उसका सॉल्यूशन भी कर लेंगे। तो ये गेट 2008 का क्वेश्चन है आरएसी का, गेट 2008 आरएसी का क्वेश्चन है आईआईएससी का, आईआईएससी बेंगलोर ने बनाया था। देखिए इसमें दिया हुआ है मोस्ट एयर एट अ प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल इज कंप्रेस्ड टू 500 किलो पास्कल। यानी कि इनिशियली ये है 100 किलो पास्कल पे, इसको एक कंप्रेसर के थ्रू कंप्रेस कर दिया गया है 500 किलो पास्कल पे। इसके बाद आगे दिया हुआ है एंड देन कूल्ड टू अ 35 डिग्री सेल्सियस इन अन आफ्टर कूलर। यानी कि यहां से इसके बाद लगा दिया, इसके बाद कूलर, कूलर से कूल करने के बाद यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस है। दी एयर एंट्री एट द आफ्टर कूलर इज अनसेचुरेटेड, यहाँ पे एयर है अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड आफ्टर द कूलर एयर हो जाती है सेचुरेटेड। दी सेचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर एट 35 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर ऑफ द वाटर दिया हुआ है, सैचुरेशन प्रेशर 5.628 किलोपास्कल। दी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन द मोस्ट एयर एंटरिंग द कंप्रेसर इज क्लोजेस्ट टू, इन्होंने पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर यानी कि पीवी जब वो कंप्रेसर में एंट्री लेती है। देखिए जब भी हम कंप्रेसर से कंप्रेस करते हैं, ये होता है साइकोमेट्रिक चार्ट। देखिए कंप्रेसर से जब भी हम कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेसर में क्या होता है, केवल उसका प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर के साथ टेम्परेचर बढ़ता है। यानी कि उसकी केवल होती है सेंसिबल हीटिंग, यानी कि ना ही उसमें कुछ मॉइस्चर ऐड हो रहा है ना ही उससे कुछ मॉइस्चर बाहर निकल रहा है, केवल और केवल हो रही है उसकी हीटिंग। यानी कि कंप्रेसर का काम केवल उसका टेम्परेचर बढ़ाना होता है। अब हम जानते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट में ये होती है ड्राइवर टेम्परेचर लाइन जो कि इंक्रीजिंग होती है एक्स डायरेक्शन में, और ये होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन, ये लाइन कांस्टेंट रहती है। हीटिंग होगी तो ये लाइन कांस्टेंट रहने वाली, यानी कि उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इनिशियली कंप्रेस करने से पहले जितनी थी कंप्रेस करने के बाद भी उतनी होने वाली है, केवल और केवल इसका टेम्परेचर बढ़ने वाला है। तो इसमें केवल यही सेंस लगाना था कि इन द कूलर, सॉरी इन द कंप्रेसर ओनली देयर इज इंक्रीज इन ड्राइवर टेम्परेचर ओनली, देयर इज नो इंक्रीज इन मॉइस्चर और नो एनी डिक्रीज। यानी कि कोई मॉइस्चर ना ही इसकी इंक्रीज होती है और ना ही इसकी डिक्रीज होती है, केवल और केवल इसका बढ़ता है टेम्परेचर। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह सैचुरेटेड हो जाएगी, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर और पार्शियल वाटर वेपर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अंडर सैचुरेशन सैचुरेटेड कंडीशन, ये होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। लेकिन यह सैचुरेटेड हो चुकी है तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे 1 हो चुकी है, यानी कि पीवी इज इक्वल टू हो जाएगा पीवीएस इज इक्वल टू 1, और पीवीएस की वैल्यू हमको दी हुई है अंडर सैचुरेटेड कंडीशन, ये दी ओवर 5.628 इजिकल टू 1, यानी कि यहां से पीवी आने वाला है हमारे पास 5.628 किलो पास्कल। ठीक है, यानी कि यहां पे जो एयर का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर पेपर रहेगा वो उतना ही यहां पे होने वाला है, यानी कि यहां पे पीवी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5.628 और यहां पे जो प्रेशर है वो है 500 किलो पास्कल। यानी कि यहां पे हम इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालेंगे जिसमें पीवी की वैल्यू रखेंगे 5.628 0.622 इंटू पीवी अपॉन पी माइनस पीवी, और ये हो जाएगा 0.622 इंटू ये दिया हुआ है 5.628 अपॉन टोटल प्रेशर दिया हुआ है आफ्टर द कंप्रेसर 500 माइनस 5.628। तो यहां से जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आने वाली है, यानी कि जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है, देखिए 7.0809 इंटू 10^-3 kg/kg ऑफ ड्राई एयर।
ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू आ गई। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कंप्रेशन में केवल प्रेशर बढ़ता है, यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एयर की है वो कांस्टेंट रहने वाली, यानी कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एयर की है वो ही यहाँ पे रहने वाली है। केवल कंप्रेशन में बढ़ता है तो क्या प्रेशर, तो यही वैल्यू हम इक्वल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होगा 0.622 इनटू पीवी, और यहाँ पे जो प्रेशर लेंगे बिफोर एंटरिंग इन द कंप्रेशन वो लेंगे 100 किलो पास्कल, यानी कि 100 माइनस पीवी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे यानी कि कंप्रेशन में एंट्री पे इसके जो पीवी की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.13 किलो पास्कल। अच्छा क्वेश्चन था, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इनिशियल एयर जो है वो है 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसको कंप्रेशन में एंट्री देते हैं। मैं पहले ही बता चुका था कि इसमें कंप्रेशन में केवल उसका ड्राइवर टेम्परेचर बढ़ने वाला है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहने वाली, क्योंकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वहां पे लाइन स्टेट रहती है, वहां पे केवल सेंसिबल हीटिंग होती है, क्योंकि कंप्रेशन में ना ही हम उसमें से मॉइस्चर निकालते, क्योंकि जब कंप्रेसर कंप्रेस करता है तो क्लोज रहता है और ना ही उसमें मॉइस्चर कुछ ऐड करने वाले, यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चेंज होने वाली नहीं है। अब आफ्टर द कूलर उसका जो हम टेम्परेचर घटाएंगे 35 डिग्री सेल्सियस पे और सैचुरेटेड हो जाती है, क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है, तो सैचुरेशन को उसका प्रेशर दिया हुआ है कितना 5.628, और ए भी बोल दिया कि यार सैचुरेटेड हो गई, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो वैल्यू है वो आ गई है 1, यानी कि पीवीएस हमको दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अंडर सैचुरेटेड कंडीशन 5.628, तो यहां से पीवी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे जो कि आ गई है 5.628, ठीक है। तो यहां पे जो वैल्यू आ गई है पीवी की 5.628 आ गई, प्लस यहां पे जो प्रेशर है उससे हम इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि कंप्रेशन में उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चेंज नहीं होती है, तो यहां पे भी वही स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगी, प्लस यहां पे 100 किलो पास्कल प्रेशर की वैल्यू रख के हम पीवी यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर को निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू आती है 1.13। तो इसमें यही एक कॉन्सेप्ट था कि कंप्रेशन में उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में कोई चेंज नहीं आता, इसका आप ध्यान रखिए। बाकी ये क्वेश्चन तो सिंपल था, और यदि आपको और लेक्चर देखने हैं कॉन्सेप्चुअल तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, चैनल का नाम है मैकेनिकल माइंड, सर्च कर लीजिए पहले नंबर पे आता है। थैंक यू, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।